अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्टेक्स बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बाहर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो पोर्शंस होते हैं वो इतने फिलिंग नहीं होते। तो घर पे आप कन्वीनियंटली आसानी से ये बना सकेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है। यू कैन पेयर इट अप विथ वेजिटेबल्स एंड मैश्ड पोटैटोज़, जैसे मैंने की है, या जो भी आप साइड में सर्व करना चाहें। तो आधा किलो बीफ अंडर कट है ये, और जो स्लाइसेस हैं वो ना बहुत ज़्यादा थिक हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए। सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स को मैं यूज़ करते हुए मैरिनेशन करूँगी, जिसमें है आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच पपरिका पाउडर और आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। ये चार इंग्रेडिएंट्स इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, डाल के अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। मैरिनेशन टाइम इसका कोई भी नहीं है, बस डायरेक्ट मैं ये लगा के फ्राई करूँगी इनको। तो नॉनस्टिक पैन है जिसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। गरम होने के बाद इसमें मैं स्टेक को फ्राई करूँगी, और ओवर फ्राई नहीं करना क्योंकि ये जो पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं। तो इनको आप 5-5 मिनट्स दोनों साइड्स पे फ्राई कर लें, क्योंकि जब आप ओवर फ्राई कर लेंगे तो ये रबरी इसका एक टेक्स्चर आ जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेक श्योर कि ये जूसी हों और परफेक्टली कुक्ड भी हों। तो ये 5 मिनट्स के बाद इस तरीके से मैं इनको टर्न कर रही हूँ और बहुत अच्छा कलर जो है वो आ गया है, एंड दिस इज़ द कलर दैट यू वुड वांटेड टू हैव। टर्न कर दिया है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस ये लास्ट इंग्रेडिएंट है, इसके बाद स्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और बहुत सिंपल रेसिपी है, और यही मकसद होता है कि घर पर आप आसानी से रेसिपी को रिक्रिएट कर सकें, ताकि आपको बाहर का टेस्ट भी मिल सके और क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर आप घर पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बीफ स्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं चलती हूँ वेजिटेबल्स की तरफ, और मैश्ड पोटैटोज़ की रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो इसमें गया है 1 बड़े साइज़ का आलू, या 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लें, और फ्रेंच बीन्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। 1 कप मटर हैं, 2 मीडियम साइज़ की गाजर हैं, सारी चीज़ें कटी हुई हैं। इसके अलावा इसमें मैंने रेड वाली शिमला मिर्च यूज़ की है, आप चाहें तो आप ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें चेरी टोमेटोज़ हैं, चेरी टोमेटोज़ मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने यूज़ कर लिया है, आप चाहें तो आप नॉर्मल जो टमाटर होता है 1 बड़े साइज़ का वो यूज़ कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को काट के बॉईल करना है। जब वो हाफ़ डन हो जाएंगी, यानी कि आधी गल चुकी होंगी, तो फिर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो पहले आधा बॉईल करना है, फिर फ्राई करना है थोड़े से तेल में, और नमक काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, तो फिर ये रेडी हो जाएंगी। तो इनको फ्राई करके साइड में सर्व किया है मैंने, और मैश्ड पोटैटोज़ हैं। रेसिपी इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो भी बहुत अमेजिंग रेसिपी है मैश्ड पोटैटोज़ की, जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो बीफ स्टेक प्लेटर इज़ रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगी होगी, जो कि ये वाकई में है, लेकिन फ्लेवर्स आर एक्सट्रीमली अमेजिंग, और आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा खाने में, एंड यू कैन एड इट टू योर मेन्यू, अपने मेहमानों को खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ, एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव इट। तो रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को एज़ ऑलवेज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से, कंट्री से मेरे चैनल को देख रहे हैं। शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड
रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।